बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद अलम मुनीरी, आप मुरीद बात कर रहे हैं हजरत जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जी आपके तारीफ में इतना कहेंगे हजरत जी कि आपके जुड़ने से पहले जी रहे थे हजरत जी और आपके जुड़ने के बाद जीना सीखे हैं और जीने का मकसद क्या है हजरत जी वो सीखे हैं। अल्लाह ताला को खूब खूब जजाए खैर दे। हजरत जी 13-14 साल पहले मेरे लेफ्ट आंखों में रेटिना का प्रॉब्लम हो जाने से हजरत जी उस आंखों में रोशनी बिल्कुल नहीं है हजरत जी, तो और राइट आंखों में भी कम रोशनी है हजरत जी, तो आपने या नूरो या नाफियों का वजीफा दिया था हजरत जी लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हजरत जी, तो हजरत जी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है हजरत जी कि आप दुआ फरमा दीजिए मेरी आंखों की रोशनी के लिए हजरत जी और कुछ वजीफा बता दीजिए हजरत जी। इसी कारण से हजरत जी हम मतलब ये ठेला पे कपड़ा बेचते हैं हजरत जी, कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हजरत जी, तो आपसे बहुत बहुत गुजारिश है हजरत जी दुआओं का कि दुआ कर दीजिए हजरत जी और कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए हजरत जी। अल्लाह ताला को खूब खूब जजाए खैर दे, जज़ाकअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। जमशेद खान मुनीरी, आप बात करें इंडिया से, आपकी मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए और आपने जो बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं कि अल्लाह ताला वाकई मुझे भी जीना सिखा दे और जो वो मकसद जीने का हमें पता चल जाए, मेरी बातों से आपको नफ़ा पहुंचता है, माशाल्लाह मेरे लिए सदका जारिया है। बाकी आँख की रोशनी के लिए जो आप नोट कर लें, या हयू या क्यूम बिरहमत का अस्तगीस, या हयू या क्यूम बिरहमत का अस्तगीस, और उसके बाद कह रहे हैं बिहक़ी ला इला इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, यूँ पढ़ना है। तो या हयू या क्यूम बिरहमत का अस्तगीस बिहक़ी ला इला इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ये ईशा के बाद आपने 41 टाइम पढ़ना है, 41 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी, एक कप पानी पे दम करके पानी पी लेना है, और जो वो सुरमा वगैरह अगर लगाने का आपका अहतमाम हो तो सुरमे पर दम करें, वरना वो दम किया हुआ पानी, वो पानी से आँखों को धोना है। ये अमल करना आपने 21 दिन पाबंदी से करना है, बहुत मुजरब है, इंशाल्लाह आपकी आंखों की बिनाई जो है वो बहाल हो जाएगी, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।